नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोग को जो है कि मैन्युअली ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करेंगे प्रिंटर का, ये चीज़ आप लोग को दिखाने वाला है। फ्रेंड्स, विदाउट सीडी और डीवीडी में आप कैसे अपना प्रिंटर को इंस्टॉल करेंगे, आज हम इस चैनल पे जो है कि आप लोग को बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस से जयल माथो और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग को जो करना हो फ्रेंड्स, स्टार्ट में जाके अगर विंडोज 7 है तो डिवाइस एंड प्रिंटर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर डिवाइस एंड प्रिंटर नहीं मिलता फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कि कंट्रोल पैनल सर्च कर लीजिएगा और कंट्रोल पैनल जो कि ओपन करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड आपका दिखेगा। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा आपका विंडोज 7 या विंडोज 10 दोनों में आपको मिल जाएगा ये चीज़। और यहाँ पे आप लोग देखिए, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर का जो ऑप्शन है, इसको जो है कि आप लोग को क्लिक करना होगा या जस्ट हम इसको क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, विंडोज 10, विंडोज 7 या विंडोज 11 आप दोनों ही में कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंटर को आप कनेक्ट किए हैं और उसका ड्राइवर अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं विदाउट एनी मीडिया, ओके, ना चाहिए आपको सीडी ना डीवीडी ना इंटरनेट का भी ड्राइवर, अगर नहीं लीजिएगा तब भी चलेगा, पर अगर इंटरनेट आपका कनेक्ट है तो भी ऑटोमेटिक जो है कि ड्राइवर जो कि अपलोड मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ पे डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एड ए डिवाइस और एड ए प्रिंटर यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर लाइन पे। ओके, तो हम लोग को जो जाना फ्रेंड्स एड प्रिंटर पे जाना होगा। तो यहाँ जैसे एड प्रिंटर पे जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सर्चिंग करेगा कि आपका सिस्टम के साथ क्या क्या कनेक्ट है। ओके, अगर जैसे ही आप मतलब अपना प्रिंटर कनेक्ट करिएगा या कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स यहाँ पे आपका लिस्ट दिखने लगेगा, जो भी प्रिंटर का आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है उसको जस्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा। इन केस जैसे यहाँ पे अभी हम प्रिंटर नहीं कनेक्ट करके दिखा रहे, ओके, कनेक्ट अगर प्रिंटर कनेक्ट करें तो यहाँ तो आ ही जाएगा, अगर नहीं आता है या कनेक्ट नहीं है तो क्या करना होगा। देखिए, द प्रिंटर दैट वॉज इज नॉट लिस्टेड, यहाँ पे जो लिस्टेड नहीं है उसको एक बार क्लिक करेंगे। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो एक है आईपी वाला जो प्रिंटर होता है जो लैन के थ्रू से कनेक्ट रहता है उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, या अगर मान के चलिए लोकल एरिया मतलब यूएसबी केबल से अगर हम लोग प्रिंट ये करेंगे मतलब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला पे जाना होगा, या तो अगर मान के चलिए आपको आईपी पता है प्रिंटर का, ठीक है, लैन प्रिंटर है, आईपी पता है, तो आईपी एड्रेस एंड होस्ट नेम डाल के भी कर सकते हैं इस नंबर से, और ब्लूटूथ से या वायरलेस से अगर है तो आप इससे करेंगे, और अगर केबल के साथ कनेक्ट करना तो इससे करके जो कि नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देखिए, पोर्ट आप अपने से भी बना सकते हैं कि इसमें यज एग्जिस्टिंग पोर्ट जो है उससे भी कर सकते हैं। जो पोर्ट आप देख लीजिएगा, ये न्यू पोर्ट का जरूरत नहीं है, जब प्रिंटर कनेक्ट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो पोर्ट पे कनेक्ट है यूएसबी 1, यूएसबी 2, एलपीडी जो भी कनेक्ट होगा फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ओके, अगर आपका यूएसबी 1 में है तो 1 शो होगा एलपीडी 1 के जगह पे, तो सपोज हम एलपीडी ये है आपको रख लीजिएगा, उसके बाद जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे इस साइड में आपका मैन्युफैक्चरर दिखेगा, जैसे इप्सन का है, एचपी का है, जो भी मतलब इस टाइप का शो होगा, जैसे यहाँ ब्रदर का है, एनीटेक से दिख रहा है, तो फ्रेंड्स जो भी होगा वो यही इस साइड में दिखने लगेगा। तो यहाँ हम जस्ट ब्रदर वाला को, जैसे हमको यहाँ ब्रदर को करना, तो सपोज इसको करके जो है कि यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी आपका होगा इप्सन एचपी नीचे नीचे मिलेगा, जो आपका प्रिंटर को ऐड करना है उसको कनेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो है कि इसको नेक्स्ट कर देना होगा। ओके, यहाँ जस्ट यहाँ नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे नेक्स्ट करें फ्रेंड्स, टाइप प्रिंटर का नाम जैसे मेरा यहाँ ब्रदर के बारे में हमको करना है T400DW प्रिंटर, तो यहाँ जस्ट इसको जो है कि हम जो भी नाम अगर देना चाहेंगे कुछ भी नाम, जैसे Pro 1, तो Pro 1 मतलब हम पूरा ही लिख देते हैं, जैसे T450, इसको हमको लिख के जैसे यहाँ पे हम दे देंगे इंस्टॉल। इसका ड्राइवर अभी देखिए इंस्टॉल हो गया। ओके, तो यार देखिए लोकेशन कहाँ है, कमेंट ये सब डाल सकते हैं, या डू नॉट शेयर, इस प्रिंटर का शेयर करना है तो कर सकते हैं नेटवर्क में, या डू नॉट शेयर कर दीजिए तो ये ऊपर वाला क्लिक करके करना होगा। ओके, यहाँ शेयर करने के लिए ये देना है, और नहीं शेयर करना है तो ऊपर वाला करके जो कि यहाँ नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ प्रिंट टेस्ट कॉपी को क्लिक कर देगा तो टेस्ट प्रिंट निकल जाएगा, या तो डायरेक्ट जो है कि फिनिश पर क्लिक कर। तो फ्रेंड्स देखिए, नो ड्राइवर का जरूरत पड़ा ना, डाउनलोड किए, कुछ भी नहीं किए, हम लोग कितना आसानी से जो है कि ड्राइवर को
इंस्टॉल करके दिखा दे। देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि प्रिंटर शो हो रहा है, यहाँ आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए काम आता है या आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली रिक्वेस्ट आप लोग से कमेंट के साथ साथ लाइक कर दीजिएगा और अपना दोस्त लोगों को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।